थम क्या मुछे न पहनाने लाग रहे हो जिमनवार भाई ही ही बात है जिमनवार बड़े मुछा का वो लाग जाए अच्छा फिर मुछ पहनाओ मजे से पेट में जगह होगी अच्छा खाई ले भाई आज कितना दिन है जिमनवार बजा रहे टावर कितना रजी रे प्राण बन जाओ राम जानो बेटा इधर जान से इधर इधर मेरे को बताए कहां जाना है मुझे भी बताएगा पोटेंट लाग रहे हो पत्र पुत्र ले ले जगह कर मिल लगी रुक जा दौड़ी मना सच में कौन जानो रुक जा मिल जाएगी जगह चश्मा तो कौन ले यार कना जी माई को नहीं खरीदे तो सुनो कौन लाग रहे चश्मा बिना जी माई का जी माई चिंता मत करो मैं कर दूं सोना नहीं यार हो सकता है ना ऐसे हाँ, उसका मैं पूछ रहा हूँ पूछ रहा हूँ ऐसा हो सकता है ना कि ऐसे समझ जाएं कि पता नहीं इनको न्योता वगैरह भी दिया है कि नहीं दिया है लेकिन अरे वैसे मैं वहीं पे तो कल करवा के आया था मैं कह दूंगा भाई मेरा तो वैसे न्योता है पंडित जी की तरफ से ये मेरे साथ वैसे है टांगड़ी के साथ पूछड़ी तो आ ही जाती है वो तो बिल्कुल सही बात है राम राम अंकल जी अंकल जी सुनाई को नहीं चलो जी अभी करते हैं तो ये लो जी आज तो जिम करके मतलब इतने वो हो गए वो देखो पागल कहां तक जा करके वापस भी आ रहा सीवंस दौड़ते 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 चला गया था अब आगे से वापस सांड अभी तो दूर है बहुत दूर है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ तो भाई आगे से मतलब रास्ता टाइप में है ना तो पीछे थोड़ा कम रास्ता है मतलब इस साइड में बाड़ी साइड में बाड़ दोनों साइड में खेत हैं तो पीछे से बाइक आ रही थी तो सांड दौड़े दौड़े आ रहा था डर गए सब के सब और आज बहुत दिनों बाद में केवल कितने ही दिन बाद में आज पहली बार मतलब नैनी सिंह से दोनों हमेशा करते रहते हैं चलो पापा घूमने हम पैदल चल लेंगे कोई बात नहीं है लेकिन सीधे लेकिन ये आज पहली बार ऐसा हुआ है कि चलो भाई ठीक है पैदल पैदल चलेंगे चलो घूमने के लिए पता नहीं आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज फिर से इधर जिस टाइम अपन अकेले आया करते थे रोज इधर आता था अकेला शाम के टाइम में इधर सुबह उधर जाता था मेरी नजर अभी भी बाड़ा पे है ककोड़ा ढूंढ रही है ककोड़ा उस साइड में तो लग रहे हैं जिस साइड में मैं जाता हूँ ना सुबह सुबह कल परसों दो तीन लेडीज तोड़ रही थी बाढ़ से बताता मैंने आप चलता बड़ा मजा आता है उसकी सब्जी खाने में 200 रुपए किलो अभी 200 रुपए वो तो यहाँ पे होंगे शायद दिल्ली साइड में तो 300-400 रुपए किलो होंगे छोटे वाले जो आते हैं ना वो और खाना इतना खाया सच में वो जो है चूरमा जो होता है ना मतलब प्रसाद का स्वामने का जो चूरमा होता है उसकी बस बात ही अलग होती है खाने की और फिर मेरे को वो मिल गया और साथ में भाई मतलब जो यहाँ पे एक हलवाई है उसके 3-4 बार मैंने खाना खाया है एक ज्यादातर मंदिरों में वही बनाते हैं यहाँ पे हमारे आसपास वालों में उनका खाना एकदम लाजवाब मेरे जबान से आज तक स्वाद नहीं गया जो इधर वाले मंदिर में खाया था और 8-9 ने फिर भंडारो है मैं तो इतना खा गया कि फिर दोपहर के अंदर सबसे मेन चीज गर्मियों के अंदर है ना जो बेसन की चीजें जैसे सब्जी हो गई बेसन गट्टे की इधर भी मंदिर है बाद में मंदिर से आगे चल के बात करते हैं नहीं तो वो आ जाए कॉपीराइट वगैरह तो नहीं आवाज में है ना आवा है थोड़ा बहुत लेकिन आवाज चल रही है ना खुद के साथ में तो ना अभी आवा तो बस वही हो गया कि बेसन का इतना सारा वो था इसलिए पानी पी करके पेट फटने को हो रहा है तो ये बात है भाई अब 2-4 कमेंट आएंगे कमेंट की क्या बात है सच्चाई है कि कम से कम माल तो दूसरे का था शर्मा जी लेकिन पेट तो खुद को ही हो हाँ तो फिर कम खाए हो है कलड़ा और चाल पड़ा घूमन मैं तो कम ही खाए हो हाँ मैं तो कम ही खाए हो जत्तो जत्तो राशन ले लिए एक बिंदा रहे एक किलो चूरम लियो कम से कम या 7-8 पूड़ी ली होगी वो फिर क्या अपने दोस्त से मिलने ये देखो जी सच में मजेदार एकदम मौसम चाहे मौसम देख लो और चाहे खेत हरे भरे हरियाली देख लो ये देखो कितना बढ़िया तो मौसम है और कितने बढ़िया खेत हैं खेत के पास में ये पेड़ देखो पीपल का कितना बड़ा पेड़ है रे वाह भाई वाह सच में जो सुंदर फिल्मों में नहीं देखे कई फिल्मों में उसी तरीके से एकदम गोलाई ली हुए देखो ये देखो भाई दोनों रास्ते के बीच में बोले थोड़ी देर बैठेंगे
और खेलेंगे। सिवांश ने बना लिया है घर, ऐसे छोड़ देना, शिवांश को जाना मत। कितना लंबा चौड़ा, रे वाह भाई सिवांश, बहुत लंबा लंबा। चल चल ही रहे, मिट्टी में बैठते ही बस बच्चों की एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, मतलब मजे अलग हो जाते हैं इनके। सिवांश तो इसको बना बना के शेड वहां तक ले जाएगा, पूरे चिड़ावा में जोड़ देगा इसको ना सिवांश। स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल बना दिया नैनी ने, वाह भाई वाह। ये पूरा घर मैंने बनाया है। नैनी किराए में एक दिन का 1000 रुपया है। हाँ किसी को चाहिए तो बता देना भाई। कितना इतना दूर का ये है, क्या बोलते हैं इसको, पहले आगे फिर पीछे, ये घर बना हुआ है, एक स्विमिंग पूल है, एक कमरा है, ये लो ठीक है, और वो उधर गेस्ट हाउस बैठने के लिए इतना कुछ है, सही है ना। ये गेट है इसका, और इधर इतना बड़ा पार्क है, देख लो इतना बड़ा पार्क है ना सिवांश। नीचे बैठना बेटा, एक फोटो खींचूंगी दोनों। तो जी आज बेटी शुभांगी का जन्मदिन है, तो बेटे आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, भगवान आपका जीवन मंगलमय बनाए और हर प्रकार की खुशी दे और हर मंजिल पे आपको कामयाबी दे। और ये पास में जो मंदिर था उसी में हम चले गए थे, और आपने अभी जस्ट पीछे देखा होगा जो कल परसों एक कमेंट आकर रखा था ना परसों, कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनको ड्रिंक करने की बहुत बुरी हैबिट है, उसका कहीं कुछ समाधान है तो बताओ। तो मेरे पास में दो कमेंट आए थे, दोनों मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के उनको लगा दिए हैं, तो आप देख लेना जी। और हो सकता है भाई सच्चाई क्या है वो जिन्होंने कमेंट किया वो जाने, बाकी देखो आप भी एक बार जाकर के ट्राई कर लेना, क्योंकि उसमें इतने पैसे लगते हैं, उससे अच्छा तो है अगर फायदा हो जाए तो सही। एक तो लवप्रीत का मैसेज देखा था मैंने, कल आपका वो किया था, अभी देख लिया जी, और मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इतना गुस्सा मत होया करो, है ना। और गाने आ रहे थे एक मेहंदी हसन का भी, इतना बढ़िया गाना आ रहा था, लेकिन मेरा तो सुना हुआ नहीं, उसको सर्च करके देखूंगा। मेरे को तो पता नहीं कौन सा क्या है, मेरे को तो फिर उसको देख करके ऐसा ही एक गाना याद आया जो भाई सुना हुआ था थोड़ा सा, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे माहिया वे, तेरे इश्क में डूबी मैं भी डूबगा पक्का डूबगी, जब तो जान गंदू की बांध के रखो नु, ये तो डूबी गई भाई। नहीं सुनो एक बात बताऊं थाने, एक गाना सुनो। नहीं मेरे को तो सच बताऊं, मेरे को तो आपको पहले बताया था, एक एक दो दो शब्द आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं गाने के, तो मैंने थोड़ा सा बता दिया। एक गाना है ये, और इस सिचुएशन पे फिट बैठता है, ये हंसी वादियां ये खुला आसमां आ गए हम कहां हे जाने जा। आगे थोड़ा सा प्रकाश कम हो गया ना, इसलिए फोन एकदम गोल गोल सी वो बना ली है, हम मिलेंगे घर पे चल करके, फोकस नहीं कर रहा, मतलब इस स्क्रीन में बन जाती है भाई गोल गोल से, बता मैं क्या करूं, सही है ना। तो ये देखो जी आज अपने वाला पीले वाला फूल बहुत प्यारा खिल गया, देखो बड़ा फूल एकदम खूब बड़ा, अच्छा है ना, मस्त वाला जी। चलो ये देखो इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ में अच्छे खासे फूल आ रहे हैं, और ये अपने जो है ये क्या है, ये पकने की तैयार हो गया है, पीला पीला होने लग गया है। तो चलो मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, आपने इन हरे भरे पेड़ पौधों की हरियाली के साथ में। और ये बाल्टी जो है ना ये एकदम वो हो गई थी ख़राब, इसको आज बाहर खाली करके इसमें एक पेड़ ला करके लगाएंगे, जो मैंने कल परसों आपको बताया था, ठीक है जी। चलो बाय।